हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के आबादी के बारे में। भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, ऐसी रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और पहला सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की वार्षिक विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2023 के मध्य तक चीन को पीछे छोड़ के सबसे पहले नंबर पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगी और ये भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। विश्व और भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या है? चीन की स्थिति जो जनसंख्या है वो है 142.57 करोड़ और भारत की जनसंख्या हो जाएगी 142.86 करोड़। ये जून 2023 तक कह सकते हैं, ये 2023 के आधे साल तक भारत की जनसंख्या इतनी होने के अनुमान है, ये UNFPA की रिपोर्ट कहती है। इससे क्या पता चलता है कि भारत में अपने एशियाई पड़ोसी की तुलना में 29 लाख अधिक लोग होंगे। जो हमारा एशियाई पड़ोसी देश है चीन, उससे 29 लाख लोग ज़्यादा होंगे हमारे भारत में। और नवंबर 2022 में दुनिया की आबादी 800 करोड़ के आंकड़े पार कर गई थी। नवंबर 2022 में पूरी दुनिया की जो आबादी थी वो 800 करोड़ के आंकड़े पार करी थी। 34 करोड़ की अनुमानित आबादी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर इंडिया, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर अमेरिका आ जाएगा। इंडिया, चाइना और अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधा हिस्सा सिर्फ 8 देशों का होगा। जो 2050 तक वृद्धि होगी पूरी दुनिया में, सिर्फ 8 देशों में, सिर्फ 8 देशों में 50% जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। उसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, ये 8 देश हैं जो सारी वृद्धि दर का 50% वृद्धि यहीं से होगी पूरी दुनिया की, जो 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि होनी है। रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि विश्व के सभी राष्ट्र लैंगिक समानता और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नीतियों को लागू करें, जैसे कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुँच। भारत में 2 बच्चे के मानदंड को लागू करने की मांग बढ़ रही है और असम जैसे कुछ राज्यों ने 2021 में सरकारी नौकरियों से 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है। तो असम ऐसा राज्य है जिसने 2021 में एक ऐसा आदेश जारी किया जो सरकारी नौकरियों में उनको रोकेगा जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है जनसंख्या वृद्धि की? एक तो जन्म दर में वृद्धि हो और मृत्यु दर में कमी हो। गरीबी इसका एक बड़ा कारण है। महिला शिक्षा का अभाव बड़ा कारण है। बाल विवाह बड़ा कारण है। परिवार नियोजन का अभाव और पुत्र प्राप्ति की इच्छा, ये सब कारण हैं जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किन कारणों से जनसंख्या वृद्धि होगी वो देख लिया हमने, और जनसंख्या वृद्धि होने के बाद क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगी। जीवन स्तर में गिरावट आती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है क्योंकि कृषि भूमि लिमिटेड है, उस पर जो है लोगों का दबाव बढ़ जाता है जनसंख्या बढ़ने पर, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता है और पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि जो हमारे पास संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास संसाधन लिमिटेड हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बोझ बढ़ जाता है उन पर, संसाधनों पर। जनसंख्या का प्रबंधन कैसे किया जा सके? 25 वर्ष से कम आयु की लगभग 50% आबादी होने के कारण भारत के पास जनसांख्यिकी लाभांश से लाभ उठाने का एक समयबद्ध अवसर है। यानी कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो दूसरा फायदा उसका ये भी है कि हमारे पास कार्य क्षमता बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, संसाधन तो कम हैं लेकिन उनको जो है कार्य क्षमता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी आबादी का 50% जो है यंग है, उसका प्रॉफिट हमें मिल सकता है, लाभांश मिल सकता है, जनसांख्यिकी लाभांश। इसे स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्ता में अतिरिक्त निवेश के माध्यम से आर्थिक लाभ में परिवर्तित करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य हो हमारे जो युवा हैं उनका, अच्छी शिक्षा दी जाए,
उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाए, उससे वो हमारे संसाधन बन सकते हैं जितने भी युवा जनसंख्या है, और उससे हमारा जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ सकता है। जनसंख्या नियंत्रण की कुछ प्रमुख विधियाँ, कैसे कैसे जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करके जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। पहला तो है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल। दूसरा है सरकार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा के शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। एकल शिशु नीति या दो शिशु नीति को बढ़ावा देने पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक स्तर पर छोटे परिवारों को आदर्श रूप से स्वीकारना जनसंख्या नियंत्रण की कारगर विधि हो सकती है। तो ऐसी नीति लाई जाए जिसमें एक बच्चा पैदा किया जाए एक कपल द्वारा, या दो बच्चे पैदा किया जाए और जो छोटे परिवार हैं उनको स्वीकारा जाए आदर्श रूप में। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ती है और जो संसाधनों में सामान्य गति से वृद्धि होती है। दुगनी रफ्तार से मतलब 1, 2, 4, 8, 16 और 32 के क्रम में जनसंख्या बढ़ती है और जो हमारे संसाधन हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के ही क्रम में बढ़ते हैं। तो संसाधनों की बढ़ने की गति कम है, जनसंख्या की ज़्यादा है, इस वजह से भुखमरी, बेकारी, गरीबी, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 1952 में जनसंख्या नीति समिति की स्थापना की गई थी। 1956 में केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई और 1976 में भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और स्थिर जनसंख्या प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की परिकल्पना की गई थी और इस नीति का लक्ष्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर कर देना है, रोक देना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा संबंधी लक्ष्य और लिंग समानता संबंधी लक्ष्य के संबंध में काम करती है। इसका गठन हुआ था 1967 में और UNFPA का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसको ध्यान रखेंगे, UNFPA का मुख्यालय न्यूयॉर्क, 1967। इसके द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। अभी इसी ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसी में रिपोर्ट सामने, उसमें ये रिजल्ट सामने आया है। UNFPA के लिए फंड संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से संबद्ध नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र बजट प्राप्त नहीं करता है। इसके लिए बजट सरकारों, विभिन्न फाउंडेशन और व्यक्तियों तथा अंतर सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए अपनी मर्जी के योगदान पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये था विश्व की जनसंख्या के बारे में, जो भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।